हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेप। जैसे कि आप लोगों को पता है, आरबीआई ग्रेड बी फेस वन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। 2016 का पूरा पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, 2017 पर ऑलरेडी तीन पार्ट आपको मिल चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ पार्ट डिस्कस, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू, जो कि एकदम नए पैटर्न पे है। पिछले साल से क्वेश्चन ऐड हुए हैं क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू के। 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो हम लोग करने वाले हैं क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू के। पांच क्वेश्चन आए थे जहां पे मैं लगभग दो से तीन क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करूंगा कि बहुत आसान मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। पेपर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन कट ऑफ चार नंबर गई थी, तो मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेपर ठीक ठाक टफ था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है 2017 पार्ट फोर पर हम लोग हैं। अब कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर वो क्वेश्चन ये नहीं है। देखो, जो पेपर है मेरे पास वो क्या है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हैं। सॉरी। अब अगर मैं कोर्स की बात करूं फेस वन के लिए, तो हम लोगों ने नया कोर्स लॉन्च किया है, क्यूआरई कोर्स, मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कोर्स है। 2019 का आपका कोई भी पेपर हो, चाहे वो आरबीआई है, आरबीआई असिस्टेंट है, नबार्ड है, मतलब आपसे हर एक एग्जाम में, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइए या अदर कोई एग्जाम देने के लिए जाइए, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश जरूर आती है। या तो कुछ में फेस वन में ही आती है, सिर्फ कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पे फेस वन में भी आती है और फेस टू में, जिसे हम लोग प्री और मेंस भी कह सकते हैं। अगर आपको कोर्स को लेके, कोर्स के रिगार्डिंग या अपने जो एग्जाम आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग कर भी रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हैं आप लोग, लाइक कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या है। जो बच्चों की क्वेरी होती है मैं रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि धीरे धीरे मैं सारे ही पेपर डिस्कस करने वाला हूं और कोशिश करूंगा 2018 का पेपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। ठीक है, जब बात समझ में आई या नहीं आई तो चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू के दो से तीन क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। नया पैटर्न है, इस पैटर्न पे पिछले साल से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और आजकल हर एग्जाम में इस पैटर्न पे पांच क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। करेक्ट क्वेश्चन रेडी है। सबसे पहले क्या करना है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही आगे सॉल्यूशन देखना है। रेडी, पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू का। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर खुद से सॉल्व करिए, देखिए कितना जल्दी आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और काफी स्टूडेंट का आंसर भी आ गया होगा। लेकिन अब हम तरीका देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, काफी सारे मेथड हो सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ध्यान से, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैं बता देता हूं। अभी और मेथड की अगर बात करेंगे तो और भी मेथड निकल आएंगे, इसके इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिंपली हम ज्यादातर फोकस करते हैं रेशियो के ऊपर और रेशियो से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से पढ़ना, कि ट्रेन ए विद 40 किलोमीटर पर आर ऑफ स्पीड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी फॉर क्यू। एक ट्रेन है ए जो पी पॉइंट से क्यू की तरफ जाती है 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, एंड अनदर ट्रेन बी विद 50 किलोमीटर पर आर ऑफ स्पीड स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट क्यू फॉर पी। और एक दूसरी ट्रेन है बी जो कि 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पॉइंट क्यू से चलती है, किसकी तरफ, पी की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का केस हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन का केस आपको पता होना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि आफ्टर रीचिंग क्यू एंड पी रेस्पेक्टिवली, मतलब जब ए क्यू पे पहुंच गई और बी पी पे पहुंच गई, बोथ द ट्रेन स्टार्ट देयर रिटर्न जर्नी विदाउट एनी डिले। उन्होंने एकदम से फिर से यू टर्न लिया और वापस चल दिए, लेकिन कोई डिले नहीं किया, वहां पे रुके नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, दिस टाइम दे मीट पॉइंट एस। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये भी था, दे फर्स्ट मीट एट पॉइंट आर, पहले वो आर पे मिले, लेकिन जब वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो फिर वापस चल दिए और अब की बार पॉइंट एस पे मिले। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज 360 किलोमीटर। उनके बीच का जो डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच का, वो कितना दिया गया, 360 किलोमीटर दिया गया है। बात समझ में, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू जरूर देख ले क्या है।
ठीक है, क्वांटिटी वन कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू, ये तो डाटा दिया गया है हमें, तो डिस्टेंस निकालनी हमें आर एंड क्यू के बीच की। फिर कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, तो पी एंड एस के बीच का भी हमें डिस्टेंस चाहिए। बात समझ में आई ना? चलिए अब ध्यान से सुनिए, इधर ये आपने लिख लिया या समझ लिया, क्वेश्चन याद हो गया। अब मैं इसे हटा रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे थोड़ा अच्छे से समझानी है सारी चीजें, इसलिए मैंने ये हटा दिया। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं कहूं कि भाई ये दो ट्रेन है इस तरीके से, यहां पे पॉइंट पी है, यहां पे पॉइंट क्यू है। अब ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, एक ट्रेन ए इधर से इधर स्टार्ट हुई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन बी इधर से इधर स्टार्ट हुई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कौन? बी। बात समझ में आई? चलिए अब क्या कह रहा है कि ए जो है पी से क्यू की तरफ जा रही है और बी जो है वो क्यू से ए की तरफ आ रही है। ये जब अपोजिट डायरेक्शन में तो किसी एक पॉइंट पे मिले होंगे, मान लीजिए यहां पे मिले, ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट क्या है आर, दोनों एक साथ चले हैं। समझने वाली बात यह है कि जितनी देर में ट्रेन ए पॉइंट पी से आर पे पहुंची है, उतनी ही देर में ट्रेन बी क्यू से आर पे पहुंची है। यह बात समझ में आई या नहीं आई? तभी तो मिले हैं। क्लियर है बात? वेरी गुड। अब जब टाइम कांस्टेंट है, तो जब टाइम कांस्टेंट है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस के। अब अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूं कि एस ए और एस बी, तो आप देख लो स्पीड का रेशियो कितना आएगा 40 एंड 50 ए और बी का, मतलब 4:5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो इसी रेशियो में डिस्टेंस भी कवर की गई होगी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है कितना, 360 किलोमीटर आप लोगों ने पढ़ लिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल ध्यान से समझना, इतना आसान मेथड बताने वाला हूं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो डिस्टेंस 360 जो है वो इस रेशियो में कवर हुई है, मतलब देखिए रेशियो में टोटल 9 है, लेकिन डिस्टेंस 360 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 40 करके आया होगा, 40 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 किलोमीटर, 40 से इसे कर दीजिए 200, मतलब ए ने 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, बी ने 200 डिस्टेंस कवर किया, कब? जब वो मिले। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 200 है। बताओ समझ में आई या नहीं आई? टोटल हो गया ना 360। अब क्वांटिटी वन कह रहा था द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू, तो आर एंड क्यू के डिस्टेंस निकल चुका है कितना, 200। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि जो क्वांटिटी वन है वो कितना है, 200 है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि ए और बी दोनों यहां पे है, लेकिन ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, ए और बी दोनों यहां पे है। अब ए यहां पहुंचेगा फिर वापस चल देगा, बी यहां पहुंचेगा फिर वापस चल देगा। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है, सीधा आंसर आपके आंखों के सामने निकल जाएगा, देखना। अब मैं कहता हूं कि भाई ए अगर इस पॉइंट से यहां पे पहुंचना चाहता है, मतलब कितनी दूर, 200 किलोमीटर दूर, तो अगर ए के लिए मैं, बात सुनना, आर और क्यू का देखो कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कितना लगा होगा, 5 आवर्स। अब सुनना, मतलब ए जो है यहां पे पहुंच चुका है, अब ए यहां पे है, बात समझ में ही, कितनी देर के बाद, 5 घंटे के बाद। अब मैं ये देख लेता हूं कि बी 5 घंटे में कहां रहा होगा, बी की स्पीड कितनी है, 50। अगर मैं बी की बात करूं तो 5 घंटे में ये कितना चल दिया होगा, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर कहां से, यहां से भाई, ये उधर को चला, ये इधर को चला, ए उधर को चला, बी इधर को चला, तो अब 250 किलोमीटर ये जा चुका है। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं यहां पे, अब 250 किलोमीटर मतलब 160 तो यहां से यहां गया होगा, कौन, बी, और फिर 90 यहां से यहां गया होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तभी तो कितना गया होगा, 250 ना, तो मतलब अब कुल मिलाकर बी यहां पे है। अब सुनना ध्यान से, कुल मिलाकर बी यहां पे है और ए यहां पर है, और ये डिस्टेंस 90 किलोमीटर अगर मैं हटा दूं और टोटल थी 360, तो ये जो बची ये कितनी डिस्टेंस बची, 270 किलोमीटर, कितनी बची, 270। बात समझ में आ रही है?
जो कि फिर से किस रेशियो में कवर की जाएगी, 4:5 जो कि उनकी स्पीड है, क्योंकि अब जब इसने इधर से यहां से चलना शुरू किया तो बी यहां पे था तो यहां से चलना शुरू किया होगा। अब मेरे पास ये दो पॉइंट है, कहीं मिलेंगे बीच में, मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगे। तो 270 अगर 4:5 में कवर करेगा तो यहां पे कितना हुआ 9 की वैल्यू 270, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 30, तो 4 पार्ट की वैल्यू 120, और इसकी पर अगर 120 और यहां पे 5 पार्ट की वैल्यू 150, मतलब ए ने कवर किया 120 और बी ने कवर किया 150। तो अब मैं कह देता हूं कि मान लीजिए अगर वो एस पॉइंट पे मिले हैं, यहां पे अगर मान लीजिए एस पॉइंट पर मिले हैं, तो ए जो है यहां से यहां कितनी दूर आया, 150, ये बात ध्यान समझ में ही, और बी यहां से यहां कितना गया, 120। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर है? सॉरी, ए कितना गया 120, क्योंकि ए की कम है ना, ए कितना गया 120 और बी कितना गया 150। आप यहां पे देखिए, ये बी है तो 150 और ए है तो 120, मतलब अब यहां से यहां अगर ये 150 गया और ये पॉइंट मेरा एस है और ये कितना हो गया 120, या तो आप 360 में से ये 120 माइनस कर दीजिए, ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी पी से एस तक। इसने हमसे पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस क्वांटिटी 2, तो P से S की डिस्टेंस आप कह सकते हैं 360 माइनस 120 तो कितना हो गया 240। तो जो क्वांटिटी 2 है, अगर बात करें क्वांटिटी 2 की, यहां पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी 2, तो कितना आ गया 240। या आप सीधा क्या कह सकते हैं कि भाई 90 तो ये और 150 ये, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 240, तब भी आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी 2 जो है वो क्वांटिटी 1 से बड़ी है। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन कहता है कि क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, और यही चीज हमने यहां पे फाइंड आउट करी। तो इसका मतलब यही आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कोशिश की है कि बिना किसी ज्यादा फॉर्मूले के, बिना किसी इक्वेशन के आप लोगों को मैं अच्छे से चीजों को समझा पाऊं। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई आज, बताइए समझ में आई बात या नहीं है? तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोशिश करना कुछ और तरीकों से लेके, जहां पे आप टाइम निकालिए कि कितने टाइम में ये पहुंचा है, कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए क्या सॉल्व हो पाता है, नहीं हो पाता हो तो जाएगा नो डाउट, लेकिन ये बहुत डायरेक्ट और बिना पेन चलाए भी इसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी मिक्सचर एंड एलिगेशन या रेशियो का क्वेश्चन आप उसे कह सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो पढ़ के बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है, लेकिन गारंटी क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, सॉल्यूशन बहुत ईजी होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसीने अच्छे, देखिए पसीने बहुत ज़्यादा आ गए हैं, गर्मी आज थोड़ी ज़्यादा है, इसी भी उतना ठंडा नहीं कर पा रहा है, लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लगेगा, पहले पढ़ लीजिए, चलिए बाद में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा वीडियो पोस्ट करके, और लगा भी होगा कि बड़ा उठपटांग सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत सिंपल। कैसे सिंपल है वो बात करते, क्वेश्चन पढ़ते पहले। कह रहे देयर आर 3 वेसल्स ए बी एंड सी, 3 वेसल है वहां पे, 3 ग्लास आप लोग कह सकते हैं ए बी एंड सी। वेसल ए कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। वेसल ए में जो रेशियो है किसका, मिल्क एंड वाटर का, वो कितना है 3:1। वेसल बी कंटेन्स 20 लीटर ऑफ प्योर वाटर, जो बी है उसमें 20 लीटर प्योर वाटर है। वाइल वेसल सी कंटेन्स 30 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, जबकि सी जो ग्लास है वेसल है उसमें क्या है 30 लीटर प्योर मिल्क है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, अच्छे से ध्यान से सुनना। हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ वेसल ए इज फर्स्ट प्योर्ड इनटू वेसल बी, मतलब ए का जो हाफ है वो बी में हमने डाल दिया। अब आगे क्या कह रहा है, देन कंटेंट ऑफ वेसल बी प्योर्ड इनटू वेसल सी। अब जो बी में है वो हमने पूरा का पूरा किस में डाल दिया, सी में डाल दिया। एंड फाइनली कंटेंट्स ऑफ वेसल सी इज प्योर्ड इनटू वेसल ए, और सबसे बाद में क्या किया कि सी को भी कहां खाली कर दिया, ए में खाली कर दिया। सुनना ध्यान से, अब द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वॉटर इन वेसल ए इज 9:4। रेशियो दिया गया है भाई, कितना 9:4, किस चीज का रेशियो दिया गया, मिल्क एंड वॉटर का, कहां पे, ए पे। क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल ए, और क्वांटिटी 2 80 लीटर, मतलब मुझे यहां पे क्वांटिटी 1 ही सॉल्व करनी है, क्वांटिटी 2 तो करनी नहीं है।
सीधा नंबर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही काफी स्टूडेंट ने तो मुझे लगता है छोड़ दिया होगा कि पता नहीं क्या दिया गया है, लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पढ़ के आपका मुश्किल से 30 सेकंड लगना था। तो जहां पे चार नंबर ही कट ऑफ जा रही है वहां पे इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है, तो आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। चलिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं है कि कट ऑफ क्लियर ना हो, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके कट ऑफ से भी ज्यादा। ये ए है, ध्यान से सुनना, ये बी है, ये सी है। यहां पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है 3:1। यहां पे प्योर 20 लीटर वाटर है, 20 लीटर क्या है वाटर, और यहां पे प्योर 30 लीटर क्या है मिल्क। यही तो दिया गया था, बिल्कुल यही दिया गया था, 30 लीटर प्योर मिल्क। अब क्या हुआ कि मैं मार्कर चेंज करता हूं, यहां पे सुनो ध्यान से, अब क्या हुआ इसका हाफ, अब ध्यान से सुनना, देखो एक लाइन में क्वेश्चन सुन, इसका हाफ निकाल के यहां पर डाला, अभी यहां पे आधा तो बची गया ना, फिर ये पूरा जितना भी था इधर डाल दिया, इसमें अब कुछ बन गया होगा मिल्क एंड वाटर। अब फिर सी को उठा के कहां डाल दिया, ए में, बात समझ में आई ना। अब पहले सुनना ध्यान से, एक आधा यहां पे गया था, मतलब वही आधा यहां पे गया था, फिर आधा वो वापस आ गया, मतलब ए में जितना पूरा था वो वापस आ गया जो था, बात समझ में आ रही है, जितना स्टार्टिंग में था वो आ गया। दूसरा ए में और कौन कौन आ गया, बी का 20 लीटर वाटर भी आ गया और सी का 30 लीटर मिल्क भी आ गया। अब बात समझ रहे हो, ए में अब क्या क्या बचा सुनना। अब मैंने इसे कहा कि मिल्क यहां पर है 3x और वाटर है x। अब ए में जो है, अब सुनना, ए में जो मिल्क है वो कितना है 3x, बात समझ में आई, लेकिन कितना लीटर और मिल्क आ गया प्लस 30 लीटर अपॉन, सुनना, वाटर कितना है, एक्स तो है ही है ए का अपना, लेकिन ये वाला भी तो वापस यहीं पे आ गया, तो एक्स प्लस ट्वेंटी, और ये रेशियो कितना हो गया भाई हमारा, कहां दिया गया 9/4, ये दिया गया 9/4, मतलब 9:4 आंसर आ गया। क्या दिक्कत है बताइए, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, ये कितना हो गया 12x + 120 = 9x + 180, तो ये इधर ये इधर, तो 3x = कितना आ गया 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20। अब ये जो a की टोटल क्वांटिटी थी वो कितनी थी 4x, और अगर मैं x की जगह 20 लिख दूं, 4x कैसे 3x + x, तो कितना हो गया 80। अब क्वांटिटी 2 कितना है 80 और क्वांटिटी 1 भी कितना आ गया 80, तो क्या कहेंगे भाई, क्वांटिटी 1 = क्वांटिटी 2। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ए से कहां गया बी पे आधा निकल के, मान लो ए का 10 लीटर था, 10 में से 5 इधर गया, फिर वही 5 गया होगा, फिर वही 5 आ गया वापस, तो 10 तो ये पूरा हो गया अपना जितना पहले था, इसका 20 यहां पे गया, तो अब सी में 20 लीटर क्या है वाटर, 30 लीटर मिल्क, अब फिर ये वापस यहां आ गया, मतलब ए में अब 20 लीटर वाटर और आ गया और 30 लीटर मिल्क और आ गया, तो ए में पहले मिल्क 3x था प्लस 30 लीटर वाटर x था प्लस 20 हो गया, कितना हो गया 9/4, आंसर आप लोगों के सामने है। आज की क्लास में इतना ही, गर्मी बहुत ज्यादा है, उम्मीद है आपको दोनों ही सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि थोड़ी लंबी लंबी वीडियो बनाया करें, क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, उतना आसान नहीं होता है कि डायरेक्ट ही कुछ जादू घुमाया और आ जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में। मैं कोशिश करूंगा जैसे ही आरबीआई की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं लंबी लंबी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, उस पर भी मैंने प्लान किया हुआ है, और जल्दी नेक्स्ट वीक से नबार्ड के लिए भी वीडियोस लाऊंगा मैं, पिछले साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।